तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम आए हैं इंदिरापुरम शिप्रा सन सिटी में। तो यहाँ पे कैशियर रोड पे आज हम एक स्प्लिट एसी की इंस्टॉलेशन करेंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, और आप लोग अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप लोगों को दिखाते हैं, देखिए। तो ये लॉयड का स्प्लिट एसी है, तो ये वाला हम इंस्टॉलेशन करेंगे। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये लॉयड का है, देखिए, इन्वर्टर इन्वर्टर मॉडल है ये। तो ये देखिए अनबॉक्सिंग। तो देखिए, ये इसकी वायर केबल निकली है इंडोर टू आउटडोर कनेक्ट करने के लिए। ये इसका देखिए रिमोट है, मैनुअल वर्क है। ये देखिए इसमें पेस्ट वगैरह गिट्टी भी है, और ये बैटरी भी निकली है इसमें, एक बार कोड भी है। तो ये देखिए हमारा इंडोर यूनिट अनबॉक्स हो चुका है। तो ये इन्वर्टर मॉडल है लॉयड का, हैवेल्स ब्रांड। और इसको हम आप लोगों को दिखा देते हैं कहाँ पर इंस्टॉलेशन करनी है। तो ये देखिए, इनका मकान जब बन रहा था तो हम इन्हें बता गए थे, तो इस तरीके से पाइप डलवानी है। तो ये देखिए, ये हॉल है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो इन्होंने पहले से इसमें पाइप डलवा रखी है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन होनी है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, इस तरीके से ये हॉल इस तरफ है लेफ्ट। तो इसके फ्लेयर हम अंदर अंदर की साइड करेंगे, इसलिए इसे हॉल के इस तरफ को रखेंगे और दीवार पर रख लेंगे। इसका लेबलिंग करेंगे, अब इस पर लगाएंगे निशान। ये निशान लग चुके हैं, अब इस पर करेंगे हैमर से हम ड्रिलिंग। तो दोस्तों इसे हम एक बार टाल के देख लेंगे कैसा लग रहा है। ये आउटडोर की करेंगे अनबॉक्सिंग, क्योंकि आउटडोर में से अब हमें कॉपर पाइप निकालनी है। पहले कॉपर ट्यूब लगानी है वहाँ पे। तो ये देखिए, उठा दो ऐसी। तो ये देखिए हमारा अनबॉक्सिंग हो चुका है आउटडोर की। ये कॉपर पाइप हमने निकाल ली है, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत है अभी। तो अब ये कॉपर पाइप को हम डालेंगे। तो ये देखिए कॉपर पाइप डालेंगे इस तरीके से। तो ये काफ़ी देर के बाद ये पाइप पड़ पाई है। देखिए पाइप हमारी पड़ चुकी है, तो इसमें हमने ये नट
ये लोग अक्सर भूल जाते हैं फिलर बनाने से पहले, तो ये नट डाल दिया। अब ये हम फिलरिंग डाई का इस्तेमाल करेंगे और इसका बनाएंगे फिलियर। तो ये हमने ले ली ऊपर से कसने के लिए इस पर डाई। तो देखिए दोस्तों तो हमारा फिलियर है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना ये फिलियर कैसा बना है। अब बनाएंगे क्वार्टर का फिलियर। लव इनडोर को अब इस पे इनडोर को पहले टांग लेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से इसको फिक्स होना चाहिए, अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो फिर यहीं से गैस लीक हो जाती है। तरीके से कॉलर बिल्कुल सेट बैठना चाहिए, इसके बाद ये नट हाथते चढ़ाएंगे जितना टट चढ़ जाएगा। रेंच से टाइट कर देंगे, देख कर भी फंसा लेंगे। तो ये देखिए हाफ का हो चुका टाइट, इसी तरीके से क्वार्टर का भी टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से ये दोनों फिगर टाइट हो चुके हैं। अब इस पर इंसुलेशन से इसे कवर कर देंगे। इस तरीके से टेपिंग करना बहुत जरूरी है, टेपिंग नहीं करेंगे जहाँ भी खुला रह जाएगा वहाँ हवा के साथ मॉइस्चर बना लेंगे, पानी डालने लगता है, इसलिए इस पर टेपिंग करना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे फिलियर कर चुके हैं, इस पर टेपिंग भी कर दी, ये पानी का पाइप है। अब ये पानी का पाइप यहाँ से निकाल देंगे और ये इसके वायर कनेक्शन वायर है, ये इनडोर का वायर है सप्लाई देने के लिए। तो देखिए मोनिस पीछे आ चुके हैं, तो अब ये पाइप को खींचेंगे नीचे, नीचे की तरफ से लेना और खींचो, बस रुक जाना अभी। अब इसे इनडोर को हम दबाएँगे फिर देखना। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमारा इनडोर का फिटिंग हो चुका है, ये देखिए। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि हमारी काम कैसा लगा आप लोगों को। ये देखिए ये कनेक्शन वायर है। अब चलते हैं आउटडोर की तरफ। तो ये आउटडोर है, अब ये लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये वाला एसी है जो ना, इसके इस दीवार पर रखे और ये ऊपर ले जाना है। यहाँ से ले जा कर देखिए जो पाइप निकली हुई है, ये जो पाइप है यहाँ पर ऊपर रखना है, ये पाइप है। दोस्तों आउटडोर उठा के एक स्टेप यहाँ रख दिया अभी, और यहाँ से ऊपर ले जाना है। अब हम ऊपर चढ़ेंगे। तो ये देखिए हम भी आ गए इस दीवार पे, इस दीवार पे से होके अब इसे ऊपर ले जाना है। तो देखिए मोनिस ने चढ़ा लिया अकेले, ये बाहुबली हैं, ये देखिए ले गए उठा के। बाद देखिए रख भी दिया वो इसी। तो ये देखिए हम आ गए ऊपर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लगना है एसी, ये पाइप हमारी यहाँ पे रखना है और ये स्टैंड है, अब स्टैंड पर रखेंगे। तो देखिए ये स्टैंड है और पाइप को हमने इस तरीके से दो लाइन में मोड़ दिया है,
ये देखिए किस तरीके से एकदम बैंड बनाया है, बिल्कुल पूरा गोला। इस बैंडर की हेल्प से पूरा गोला बनाया है हमने, तो इसे स्टैंड पर रख लेंगे। ये हमारे फिलियर दोनों टाइट कर चुके हैं, स्टैंड पे इसी रख दिया है, ये फिटिंग हो चुकी है, अब कर रहे हैं इसके कनेक्शन। तो इसका देखिए इसमें सिंपल सा कनेक्शन है, ये फेस में फेस दे देंगे। तो दोस्तों देखिए हमने ये इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ये देखिए फेस हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये सिग्नल वायर हो गया, और ये चौथी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है, इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अर्थिंग की वायर नहीं लगाते हैं इन्वर्टर इसी में, तो ये एक साल या दो तीन साल के बाद ये कम्युनिकेशन का एरर आने लगता है, तो इसलिए ये वायर लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद इसके ढक्कन होता है, ये ऊपर से लगा देंगे इस तरीके से, और ये भी लगा देंगे ताकि ये सेफ्टी के लिए होता है, पानी वगैरह ना जाए इसमें। तो दोस्तों इसकी कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, जिसे कहते हैं कंप्लीट फिटिंग। तो अब ऑन करने गया है, इसी ऑन करेंगे, और इसके अभी हमें ये वाल्व खोलने हैं। देखिए आज मौसम भी इतना सुहाना हो रहा है, बहुत देखिए बादल कितने ज़बरदस्त बादल आ रहे हैं, ये देखिए एकदम अंधेरा हो रहा है, मौसम ऐसा हो गया एकदम बादल छाए हुए हैं, आसमान में बारिश भी होने वाली है। एसी इंस्टॉलेशन में भी बहुत मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा आउटडोर ऑन हो चुका है, अब इसके खोलेंगे हम वाल्व। तो ये देखिए वाल्व हमने ओपन कर दिया है हाफ का, अब इसके बाद ये क्वार्टर का भी ओपन कर देंगे। तो ये देखिए क्वार्टर का भी ओपन कर दिया, तो ये देखिए दोनों वाल्व हमने ओपन कर दिए, ढक्कन भी लगा दिए इसके, और एसी हमारा ऑन हो चुका है, अभी चल रहा है, आप लोगों को साउंड भी आ रहा होगा। और ये देखिए इसमें मॉइस्चर की पाइप बनाने लगा, रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। तो गाइस ये देखिए हमारा इंडोर ऑन हो चुका है, चल रहा है अच्छी कंडीशन में। तो गाइस ये देखिए ये मेरा उस्ताद जी हैं, और ये खड़े हुए हैं, और हमने ये आउटडोर लगाया था, और ये आउटडोर भी चल रहा है, ये देखिए। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, इंस्टॉलेशन आप लोगों को पसंद आई होगी आई होप। तो अगर आप लोगों को हमारी इंस्टॉलेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों को ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।